2022 के लिए दोनों नई टीमों का हो गया है ऐलान। कीमत जानकर आप सभी लोग हो जाएंगे हैरान। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। आईपीएल 2021 की समाप्ति के बाद ही बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर बोल दिया था कि भाई आईपीएल 2022 में 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, दो नई टीमें आईपीएल में आने वाली है और फाइनल अभी कुछ देर पहले ही आईपीएल 2022 में दो नई टीमों को शामिल करने के लिए नीलामी हुई थी। फाइनली नीलामी खत्म हो चुकी है, दो टीमें यहां पर डिसाइड हो चुकी है। अहमदाबाद और लखनऊ की टीम हमें आईपीएल 2022 में देखने को मिलने वाली है और इस वीडियो में हम इन दोनों ही टीमों की पूरी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि भाई कितने करोड़ में ये दोनों टीमें बिकी है, किस तरह की पूरी नीलामी रही, फाइनली किन दो ओनर्स ने, किन दो पार्टीज ने यहां पर इन दोनों टीमों पर अपना हक जमाया है, यानी भाई पूरा का पूरा एनालिसिस आप सभी लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि नीलामी में जो सबसे बड़े नाम निकल कर आए थे वो यहां पर अडानी ग्रुप और भाई जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब था उन दोनों के नाम निकल कर आ रहे थे। भाई सभी को लगभग कंफर्म ही लग रहा था कि भाई ये दोनों ग्रुप यहां पर आईपीएल में टीमों को अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि भाई इनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन भाई 5000 करोड़ रुपए से ऊपर ये दोनों ग्रुप्स नहीं जा पाए और भाई यहां पर जो टीमों की नीलामी हुई ना, मतलब उसको मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी महंगी भी यहां पर टीमें बिक सकती है। पहले यहां पर स्टेटमेंट आई थी, बीसीसीआई ने खुद अंदाजा लगाया था कि भाई 3000 से 3500 करोड़ रुपए के बीच यहां पर टीमें बिक जाएंगी, लेकिन जो इनका प्राइस था वो यहां पर डबल तक चला गया। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के ऑक्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम लखनऊ के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि संजीव गोनेका ने यहां पर कमाल कर दिया है। जी हां, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ग्रुप के वही सदस्य है, इन्होंने यहां पर नीलामी के अंदर कमाल करके दिखा दिया। 7000 करोड़ रुपए में लखनऊ की टीम के वो आईपीएल 2022 के लिए ओनर बन गए हैं। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी, सबसे ज्यादा पैसों में बिकने वाली टीम लखनऊ की टीम यहां पर बन गई है। वही दूसरी टीम यहां पर अहमदाबाद की टीम थी, अहमदाबाद की टीम पर भी काफी तगड़ी टक्कर हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और अडानी ग्रुप के बीच देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट में यहां पर सीवीसी कैपिटल ने बाजी मारी है। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर सीवीसी कैपिटल ने यहां पर 5200 करोड़ रुपए में इस आईपीएल टीम को खरीद लिया है। भाई दोनों टीमों को नए ओनर्स मिले हैं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई अडानी ग्रुप और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर रुक जाएंगे, लेकिन भाई ये जो दोनों ग्रुप्स यहां पर निकल कर आए हैं, सीवीसी कैपिटल ने यहां पर धमाल किया है, उसके अलावा भाई आरपीजीएस ग्रुप ने यहां पर कमाल किया। मतलब ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बना बिल्कुल पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड। आप यहां पर इन दोनों ही टीमों को स्पेशल चॉइस आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले मिलेगी, कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स को ये पहले अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और जैसे यहां पर फर्दर अपडेट्स हमें इन दोनों टीमों के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं तो भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यह ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि भाई अहमदाबाद और लखनऊ ये दोनों टीमें हमें अब आईपीएल 2022 में धमाल मचाती हुई नजर आने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल के स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।